आइजन पूरा खुश था कि अब वो लोग पास हो चुके हैं और ऑफिशियल रेंजर्स बन चुके हैं। युकिनो साकुरामे के टीम का मजाक उड़ाते हुए कहती है, शुक्रिया गाइस, तुम लोगों के बचत से हम एफिशिएंटली ये केस हासिल कर पाए। सीरियसली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग चाबी को लेकर इतना केयरलेस थे, है ना कुरुसु? मैंने सुना तुम लेडीज के बीच पॉपुलर होने के लिए रेंजर्स को ज्वाइन करना चाहते हो। बुजदिल, रेंजर्स को ज्वाइन करने के बजाय क्यों ना तुम एक होस्ट बन जाओ। आइजन रानमारू से कहता है, रानमारू मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम जूनियर फास्ट रैंक के खिलाफ लड़े थे, मैं हैरान हूँ। पर रानमारू उस पर बहुत गुस्सा होता है। सबको एक बात अजीब लग रहा था कि उसको वो काउंटिंग कर रही थी 58, 59, 60 ऐसा करके। तभी फाइटर डी युकिनो से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम तो पूरी तरह से हार गए, अब तुम्हें बस गेट को पास करना है। मैं भी तुम्हें ऑफिशियल रेंजर्स के रूप में देखना चाहता हूँ। वो आराम से युकिनो से वो की लेके कहता है, और मुझे येलो की मिल गया। आइजन कहता है, क्या तुम बुद्धू हो, ऐसा करना अलाउड नहीं है। वो अपने बाकी साथियों से कहता है, एग्जाम खत्म होने के बावजूद भी वो लोग हमसे चाबी ले गए। सियोन कहता है, दूसरा दिन अब तक खत्म नहीं हुआ है। युकिनो पूछती है, नामुमकिन, क्या बेल रिंग नहीं हुआ था क्या? सियोन कहता है, नहीं हुआ था, हमें सुनाई नहीं दिया है। आइजन के साथ दूसरे भी फाइटर डी के इस चालाकी को समझ जाते हैं। वो सब कहते हैं, उप्स, उन्होंने हमें पकड़ लिया। फिर क्या, ये सब भागने लगते हैं और सियोन का टीम इनके पीछे आता है। एक्चुअली बेल का नकली साउंड निकालना फाइटर डी का ही प्लान था। अब भागते हुए यामातो फाइटर डी से कहता है, वो चाबी मुझे दो, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। डी उसे चाबी देते हुए कहता है, अपनी जान की बाजी लगाकर इसे बचाना। यामातो की को पकड़ लेता है। डी अपने साथियों से कहता है, सब लोग यामातो को प्रोटेक्ट करो। सियोन फाइटर डी को आगे बढ़ने ही नहीं देता है। इधर इशिकावा के लेजर अटैक से यामातो के हाथ से वो की नीचे गिर जाता है। युकिनो और यामातो दोनों ही इस पर टूट पड़ते हैं कि तभी फाइनली बेल बच जाती है और एग्जाम खत्म होने का डिक्लेरेशन दिया जाता है। सियोन की टीम एक चाबी को हासिल नहीं कर पाई, जो चाबी अब यामातो के पास है। डी कहता है, बाकी चार चाबी कल हमारे हो जाएंगे। पेल्ट्रोला एक ब्लू स्क्वाड्रन रेंजर को जान से मारने वाला था कि कोमाची आइजम उस रेंजर को बचा लेती है और उसे यहाँ से भाग जाने को कहती है, पर वो रेंजर उसे अकेला छोड़ के जाने से मना करती है। पेल्ट्रोला भी उसे जान से मारने में जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है। पेल्ट्रोला से आइजम कहती है, तुम्हारे जैसा एक बॉस मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है? पेल्ट्रोला कहता है, जूनियर फास्ट रैंक, क्या तुम लड़ाई करना चाहती हो, अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाकर? तुम्हारा पोजीशन तुम्हें सूट नहीं करता है, तुम उतनी यंग नहीं हो जितनी तुम दिखती हो, तुम हमेशा हाई प्रेशर में काम करती हो, अपने पोजीशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ये तुम्हारे चेहरे पे दिखता है। मैं तुम्हारा अपीयरेंस को रिजर्व करूंगा, अब मेरे सामने झुको। आइजम इस बात से इनकार करती है और अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट से उस पर हमला करती है। फाइटर टी रानमारो के टैलेंट का तारीफ करता है। आगे ऐसे ही और बातचीत करते हुए इन्हें अपने टीम के फिफ्थ मेंबर सिप्पो के बारे में याद आता है, जिसने पिछली बार अपने आप को ट्रेनिंग रूम में बंद कर लिया था। यामातो और उसको वो सिप्पो को देखने जाते हैं। रानमारो फाइटर डी से कहता है, तुम्हारे जैसा एक फाइटर यहाँ क्यों है? डी कहता है, मैं अपने दुश्मन को अपना मकसद क्यों बताऊँ और मेरे असलियत के बारे में किसी को बताने का हिम्मत किया तो? रानमारो कहता है, क्या तुम सच में एक बुरे बंदे हो जो मुझे मारने का कैपेबल है? यानी रानमारो समझ चुका है कि फाइटर डी एक बुरा फाइटर नहीं है। ज्यादा ट्रेनिंग करने के वजह से सिप्पो पूरा कंकाल बन चुका था। रानमारो सिप्पो को बताता है कि वो एक की हासिल करने में कामयाब रहे। वो कहता है, पर बाकी कीज हम तुम्हारे बिना हासिल नहीं कर सकते है। साकुरामा के बिना अब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता। वो चाहे कैसा बंदा हो, मैं उसका मदद जरूर करूंगा। उसके बातों से ये तीनों इंस्पायर हो जाते हैं। पर सिप्पो कहता है, मैं उस जूनियर फास्ट रैंक नाड़ेसिको से और नहीं लड़ सकता।
ये तीनों उसे बताते हैं कि अब उसे नाडेसिको से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो चाबी अब इलाइट टीम के पास है। ये सुनकर सिप्पो पूरा जोश से भर जाता है, उसके मसल्स में जान आ जाती है। फाइटर डी जासूसी करते टाइम युकिनो और इशिकावा को थोड़ा क्लोज होते हुए देखता है और उसे ये बहुत बकवास लगता है। रानमारू वेपन में कुछ बदलाव करके सबको देता है। यामातो कहता है, मुझे किसी से मिलने जाना है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसको वो कहती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रास्ते में रानमारू फाइटर डी से मिलता है और कहता है, मैंने उसकोबो को एक इम्पोर्टेंट बात बताया है, तुम्हें ये सुनना चाहिए। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम चाहे जो हो पर तुमने मुझे मेरा रोल समझा दिया है। डी मन में सोचता है, क्या बकवास है, मैं तुम लोगों को यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इस टाइम वो यामातो को कहीं जाते हुए देखता है। रानमारू फैसला कर लेता है कि वो एक हीरो बनेगा। इस टाइम वो पेट्रोला को देखता है आइचम को जख्मी करते हुए। वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है और एक हथियार लाके आइसम को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। वो आइसम को लिफ्ट में भेज देता है और खुद पेट्रोला से लड़ता है, पर पेट्रोला के सामने वो ज़्यादा देर के लिए टिक नहीं पाया। यामातो इशिकावा से उसे युकिनो की जगह पर रखने का रिक्वेस्ट करता है और फाइटर डी नीचे से इनकी बातों को सुन रहा होता है। इशिकावा इस बात के लिए राजी हो जाता है, पर यामातो कहता है, सॉरी पर ये चाबी मेरे अकेले का नहीं है, हम चारों ने साथ काम किया है। इशिकावा कहता है, अगर तुम राजी हो जाते तो तुम डायरेक्टली एक रेंजर बन सकते थे। यामातो कहता है, सेम वही चीज होगा जब कल हम जीत जाएंगे। फाइटर डी कहता है, सही कहा यामातो। इशिकावा को थोड़ा और लेक्चर देने के बाद दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फर्स्ट रैंक स्क्वाड्रन रेंजर्स उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पेट्रोला ने तबाही मचाया था। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो चारों एक साथ उस बॉस मास्टर से निपटने का फैसला करते हैं। सिप्पो अब अपने फुल ताकत में आ चुका है। सरप्राइजिंगली रानमारू भी इन्हें ज्वाइन करता है। आज भी इन दोनों टीम का बैटल फिर से शुरू हो जाती है। रानमारू आइजेन के ऊपर पूरा गुस्सा था। आइजेन कहता है, तुम इतने नाराज क्यों हो, देखो कोई गारंटी नहीं कि हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं आगे बढ़ता रहूंगा रानमारू। उसको वो इसी कवा से कहती है, उस दिन जब मेरा पैर सुन पड़ गया था तब तुमने मुझे चलने में मदद किया था, क्या तब भी तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रहे थे? इसी कवा कहता है, तुम्हें खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, सरेंडर कर लो, तुम्हारी जैसी एक लड़की को मैं फिर से तत्व में नहीं देखना चाहता। उसको वो कहती है, तुम तो सच में एक जेंटलमैन हो इशिकावा, पर मैं बस एक चीज कहूंगी, मुझे नीचा मत समझो। फाइटर डी सियोन से कहता है, तुम मुझे धोखा देके दूसरे टीम में शामिल होगे, बहुत अच्छा, तुमने वो काम किया है जो एक मॉन्स्टर को करना चाहिए। सियोन कहता है, जो चाहे वो बोलो, तुम्हें अकेला छोड़ने के पीछे मेरा एक रीजन है, वो है ऑफिशियल रेंजर बनना। फाइटर डी कहता है, तुम्हारी सारी बात बकवास है, मैं कॉम्पिटेंट हूँ कि तुम्हारे भाई को किसी बॉस मॉन्स्टर ने नहीं मारा है। ये बात सियोन को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था, पर फाइटर डी के हथियार के नए फॉर्म को देखकर सियोन पूरा हैरान रह जाता है। डी के बाकी साथियों के पास भी सेम तरह का हथियार है जिसे रानमारू ने बनाया है। इस हथियार के पावर से फाइटर डी सियोन को कॉर्नर कर लेता है और वही बात फिर से कहता है कि किसी बॉस मॉन्स्टर ने उसके भाई को नहीं मारा होगा, ये इम्पॉसिबल है। सियोन याद करता है कि सेम बात रेड कीपर ने भी उसे उस टाइम कहा था, वो हारना नहीं चाहता था। अपने भाई को याद करते हुए वह अपने हथियार को लगातार तोड़ने का कोशिश करता है, जिससे डी भी हैरान था, पर वो और भी हैरान रह जाता है ये देखकर कि उसका हथियार खराब होने के बजाय और भी पावरफुल बन चुका है।